जान नहीं आ रहा है। I don't think you have any idea how fast I really am. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश इफेक्ट के बारे में अपनी फिल्म और के अंदर, तो बने ही मेरे साथ आपसे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं कॉस्मिक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके फिल्म और की होम स्क्रीन पर, सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने इंपोर्ट कर ली अपनी वीडियो, तो कुछ इस तरीके से है अपनी वीडियो। इसको मैं अभी चला के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी करना क्या है, अपने को सिंपल इस वीडियो की जो है वो ऑडियो डिटैच कर लेनी है, ठीक है। ऑडियो डिटैच कर लेनी है क्योंकि अपन को काम में नहीं आएगी ऑडियो, ठीक है। तो ऑडियो डिटैच करने के बाद सिंपली करने का, यहाँ पर आपको स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाने, स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पीड कर देनी है 16x। और यहाँ पर मैंने एक मिनट की वीडियो ली है, तो आप भी एक मिनट की वीडियो लेगे तो सही बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सिंपल करना क्या है, प्रोजेक्ट में जाना है और ये अपने को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपली अब करना क्या है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया अपनी वीडियो के ऊपर, ठीक है। और इसको अपनी वीडियो के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको जो ये वाले जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट पैक का, इस पर सिंपल डबल क्लिक करना है और यहाँ पर कॉम्पोजिशन में जाना है, इसका ब्लेंडिंग मोड कर देना है स्क्रीन, ठीक है। तो कर देते हैं स्क्रीन। तो स्क्रीन करने के बाद सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार अपने जो है पबजी कैरेक्टर के हिसाब से। तो पबजी कैरेक्टर के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है पूरा पूरा इसको, क्योंकि ये पबजी कैरेक्टर के अंदर से रेज निकलती हुई आएंगे, कुछ इस तरीके से लगना चाहिए ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप अपना टाइम लेके अच्छी तरह से एडजस्ट करना, ताकि बिल्कुल परफेक्ट लगे दिखने में। तो इसको मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये एडजस्ट होकर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अभी अपने को सिंपल करने का है, अभी अपने को अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो लेनी है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वाली वीडियो है, यहाँ पर मैंने एक ध्यान क्या रखा है कि मैं यहाँ पर जंप करते हुए वाली वीडियो है, ठीक है। तो आपको भी जंप करते हुए की ही वीडियो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जंप करते हुए वीडियो को, मतलब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अपन जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब मैं फुल हाइट पर हूँ जंप की पे, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, उस फ्रेम पर जाऊँगा और उसके बाद एक स्नैपशॉट ले लेना है मुझे, ठीक है। इस वाले फ्रेम पर सिंपली मैं कट करूँगा वीडियो को, और जो है पीछे की वीडियो डिलीट कर दूंगा क्योंकि काम की नहीं है वो। और यहाँ पर मैं ले लूँगा एक स्नैपशॉट, ठीक है। तो स्नैपशॉट लेने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको जो है ओपन करना है अपना स्नैपशॉट, कुछ इस तरीके से आएगा। देन इसके बाद आपको ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इन पेंट, ठीक है, इन पेंट लिखना है, ठीक है। तो इन पेंट, वैसे तो मैं इन साइट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इन पेंट आ जाएगा, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाकर के अपने जो है पीसी की सर्च बार में जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपशॉट, ताकि आपको जो है स्नैपशॉट की लोकेशन पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्नैपशॉट की लोकेशन पर गया, सिंपली मैंने स्नैपशॉट यहाँ पर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से अपने जो है क्रोम पर ड्रॉप कर दिया। तो अभी ये जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो है इसका जो है अपना मैन है ना, पबजी कैरेक्टर है, इसको आपको इरेज करना है, ठीक है। तो अब सिंपल इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों ये बेसिक इरेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है, सॉरी मैंने गलती से क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको पहले इरेज पर क्लिक करना है। तो ये बेसिक इरेज करेगा, इतना परफेक्ट इरेज नहीं करेगा, तो अपने को इतना चाहिए भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, ठीक है। तो अब सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आपका जो है फाइल्स में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से अपने फिल्मोरा में ले आऊँगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये वाली जो अपनी इमेज है ना, वो अपन दोनों वीडियो के बीच में लगानी है, कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर मैं एक बार लगा देता हूँ इसको परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पर इस इमेज की आपको ड्यूरेशन अराउंड बहुत ज़्यादा कम रखनी है, मतलब 12 से 13 फ्रेम ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो मैं इसकी एक बार ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, और कम करनी है, मतलब 12 से 13 फ्रेम ही रखनी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि इतना ही बहुत रहेगा, ठीक है। तो बाकी एक वीडियो में जो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट वाला इफेक्ट पैक है ना, जैसे कि ये वाला, तो ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब अपने करना क्या, अपने को जो नेक्स्ट वाला था ना, इसमें सेकेंड वाला जो है, जैसे कि मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये वाला जो नहीं, मतलब ये वाला ही, सॉरी गलती हो गई। तो ये वाला जो इफेक्ट है ना, सिंपल आपको ये वाला रखना है, मैं मतलब ये वाला रखूँगा, अगर आप दूसरा भी रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। तो यहाँ तक मैं रख के इसको सिंपल डिलीट कर दूँगा, पीछे का जितना अपने चाहिए अपन ने वो रख लिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना वीडियो में। अब क्या करना है, आपको जो है अपनी मतलब सब कुछ सेट कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो
वीडियो है ना ये वाली, मतलब जो मैंने इफेक्ट पैक दिया है उसको कॉम्पोजिशन में जाके ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है, ताकि आपको जो है पूरी तरह से दिख जाए, काम करने में आसानी पड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा कम बोलूँगा बट आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप मतलब जस्ट ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको यहाँ पर, अब जैसे कि देख सकते हो अपना कैरेक्टर जो है यहाँ पर आ रहा है, तो अपन एक बार इफेक्ट पैक को थोड़ा आगे ले आएंगे ताकि अपना कैरेक्टर से मैच कर सकें कि भाई सही मतलब लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट पैक को अपन आगे लिया अपने कैरेक्टर के हिसाब से, और जहाँ पर अपना कैरेक्टर विजिबल हो रहा है ना वहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है, उस वाले फ्रेम पर आना है। तो यहाँ पर इस वाले फ्रेम पर अपना कैरेक्टर विजिबल हो रहा है, तो इस वाले फ्रेम पर अपने को इफेक्ट पैक ले आना है जहाँ से मतलब ये रेज जो है विजिबल हो रही है फ्लैश वाली। इसके बाद आपको करना क्या है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो अपनी जो मेन वीडियो है दोनों नीचे वाली उनको लॉक कर देता हूँ क्योंकि उनमें कोई दिक्कत ना आए, और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो भाई ध्यान रखना कि कैरेक्टर से जो है ज़्यादा आगे ना चले जाए रेस, ठीक है, कैरेक्टर के बराबर ही रखना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ सेम सेम आपको भी वैसा ही करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक बार इसको जो है अपन एक बार चला के देख लेते हैं किस तरीके से लग रहा है ये। तो अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार थोड़ा दोबारा चला के देखते हैं। तो अभी इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको एक बार अपन सेट करते हैं। तो इसी वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब प्रॉब्लम आएगी आपको, बस हल्का सा आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो रेज है ना अपनी आगे चलेगी, अपना कैरेक्टर पीछे रहेगा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा। तो अपने को ये जो रेज है ना अपने कैरेक्टर के हिसाब से रखनी है, मतलब जहाँ तक कैरेक्टर है ना वहीं तक ही आनी चाहिए, उससे आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी पोजीशन मैंने जो है यहाँ पर कर देता हूँ 82 मतलब मैंने मेरे हिसाब से करी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 82.7, और यहाँ पर वाई की पोजीशन रखी है 59.7, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो है वीडियो बनी है अभी तक की, बट अभी भी ये थोड़ी सी सही नहीं लग रही, क्योंकि ये जो अपना इफेक्ट है ना ये रेज मतलब ये फ्लैश वाली रेज, ये अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में आ रही है, तो ये फर्स्ट वाली वीडियो में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सेट कर देना है आपको, जो अपनी जो मेन वीडियो है ना मतलब फ्लैश वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी आगे कर देनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये जो रेज है ना ये फ्लैश वाली, जैसे कि रेज जी अभी भी आ रही हैं अपने इस वाले में मतलब फर्स्ट वाली वीडियो में, तो इसको मैं टाइमलाइन को थोड़ा जूम करता हूँ, इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अब नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एक बार चला के देख लेते हैं। तो अभी भी मतलब इतना सही से नहीं लग रहा है, तो दोबारा चला के देखते हैं, अब फ्रेम बाय फ्रेम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम में गया, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ब्लैक स्क्रीन से, तो यहाँ पर अपना जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्लैक स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो है कैरेक्टर पीछे रह गया और ये रेज जो है वो आगे निकल गई, तो ये कैरेक्टर के हिसाब से अपने को पीछे लेकर आनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है, टेंशन मत लो, इतनी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो पीछे ले आए, अब जो है यहाँ से जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, बस इतना बन गया ना तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि देख सकते हो भाई अपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बन चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल सही लग रही है। तो अब अपने को करना क्या है, अब अपने को यहाँ पे सिनेमैटिक बार लगानी है और टिल्ट शिफ्ट सर्कल लगाना है, तो वो भी एक बार अपन लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी तक की वीडियो बनी है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर अपन इफेक्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ पर अपन जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ पर अपन जो इंक्लूडेड इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे CI यानी सिनेमैटिक बार, ठीक है। तो यहाँ पर सिनेमैटिक बार अपन जो अप्लाई कर देते हैं, देन सिनेमैटिक बार को अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। अगर आप आईपैड में खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिनेमैटिक बार से कोई मतलब नहीं है, अगर आप फ़ोन में खेल रहे हो तो आपको सिनेमैटिक बार अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिनेमैटिक बार की जो है अपने यहाँ पर बॉर्डर हाइट रख देता हूँ -0.24 में, ठीक है। तो मैंने ये वाला रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना बहुत है, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने दूसरा जो है टिल्ट शिफ्ट सर्कल लगा दिया, तो टिल्ट शिफ्ट सर्कल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है ना काफ़ी मतलब एक जो है स्पीड टाइप लुक देता है ना वीडियो में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट सर्कल लगाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो वैसे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये सिनेमैटिक बार के नीचे आना चाहिए, मैंने ऊपर लगा दिया, पर वो कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है, तो मैंने आपको बता दिया, तो आप सही से लगाना। तो भाई यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर स्केल साइज़ जो है यहाँ पर मैंने रखा है 0.15, और यहाँ पर इंटेंसिटी मैंने 0.32 रखी है, और यहाँ पर मैंने एक्स की पोजीशन रखी है यहाँ पर अराउंड 46, और यहाँ पर वाई की पोजीशन रखी है मैंने यहाँ पर 66,
है ना, हाँ 66 ही है, 66 ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन तो अपने जो है यहाँ पर पबजी कैरेक्टर को फोकस करा है, तो आपको भी यही करना है। तो यहाँ पर एक बार अपन वीडियो चला के देख लेते हैं किस तरीके से लग रही है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरीके से देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।